हे गाइस, वेलकम बैक टू जॉब स्टार चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आपने सबसे बड़ा जॉब का क्वेश्चन है और जो डिमांड आ रही है वो इसकी टॉप 5 अपकमिंग जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब्स आपकी कब आएंगी, जिन वैकेंसी का आप बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं वो आखिरकार कब आने वाली हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे, क्योंकि ये पैंडेमिक कोरोना वायरस की सिचुएशन है और इसके अंदर आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे होंगे एंड मास्क वगैरह पहन के कहीं अगर निकलना होगा एसेंशियल सर्विसेज के लिए तो निकल रहे होंगे। तो उम्मीद करते हैं आप सब ठीक हैं। आज हम बात करने वाले हैं टॉप 5 अपकमिंग वैकेंसीज़ की, बम्पर भर्तियाँ जो कि आने वाली हैं। ऑन डिमांड वीडियो है, इसके अंदर जो अप्लाई कर पाएंगे वो 10th 12th एंड ग्रेजुएशन वालों की जॉब्स होंगी ये, और SSC, बैंकिंग, पुलिस और DRDO से रिलेटेड होगी, क्योंकि इसमें आप आपको कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट है जो कि कमेंट्स वगैरह जो कभी भाई ईमेल्स आए थे। अगर आपको हमारे ईमेल नहीं पता तो onlyjobsnow@gmail.com है, एंड आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर और चैनल पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सबसे पहले वैकेंसीज बात करने वाले हैं हम आज SSC की। SSC के अंदर आपको पता है कि आपकी जो है SSC CPO की जो वैकेंसी थी वो आने वाली थी अप्रैल में, लेकिन नहीं आ पाई क्योंकि कोरोना वायरस की सिचुएशन की वजह से पहली कुछ वैकेंसीज पेंडिंग पड़ी हैं, जैसे कि CHSL का फर्स्ट ईयर आधे बच्चों का हुआ है, मतलब आधे से भी कम बच्चों का हुआ है, 3 दिन एग्ज़ाम चला था उसके बाद नहीं हुआ, और उसके बाद आपकी और भी वैकेंसीज जो है JEE का एग्ज़ाम होना है। तो अभी जो है इसकी वैकेंसी आफ्टर रिवाइज कैलेंडर, जी हाँ, जो कि वेबसाइट पर उनके दे रखा है, कैलेंडर जो है इनका रिवाइज होगा, न्यू कैलेंडर आएगा, सारी वैकेंसीज अपडेट होंगी, एप्लीकेशन डेट अपडेट होगी, और उसके बाद आपकी जो है रिजल्ट डेट भी सबकी चेंज हो जाएगी। तो इसके ये एक्सपेक्टेड ये है कि अगर जुलाई में अगर सब कुछ ओपन हो जाता है तो जुलाई में इनका कैलेंडर भी आ जाएगा और जुलाई से अगस्त के टाइम आपके फॉर्म भरे जाना स्टार्ट हो सकेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, वीडियो को लाइक करते रहना, शेयर करते रहना, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा देना ताकि आपको कोई भी अपडेट जल्दी से जल्द मिल सके जैसे जैसे मैं अपलोड करूं, ठीक है। अब उसके बाद SSC CPO के बाद आपकी जो उसके बाद वैकेंसी है वो आपकी बैंकिंग के बारे में बात करने वाले हैं। SBI PO की वैकेंसी निकलने वाली थी, SBI PO की वैकेंसी निकलने वाली थी आपकी अप्रैल में, बट फिर भी नहीं निकली क्योंकि आपको पता है कि इस टाइम वैकेंसी निकलना बेकार है, फॉर्म भरे जाएंगे लेकिन ये नहीं पता एग्ज़ाम कब होगा। तो बहुत ही जल्दी SBI इसका नोटिफिकेशन डाउन जारी करने वाला है। SBI के लिए आपको पता है ग्रेजुएशन चाहिए, SSC CPO के लिए आपको पता है ग्रेजुएशन चाहिए, और आपको एज लिमिट वगैरह नोटिफिकेशन के हिसाब से मैं आपको बता दूंगा। नॉर्मल एज 21 से स्टार्ट होती है, बाकी मैं आपको नोटिफिकेशन के थ्रू कंफर्म कर दूंगा, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है। सबसे पहली बात आपकी ये खत्म हुई। बैंकिंग के अंदर आपकी SBI PO का एग्ज़ाम होगा और SBI PO के साथ साथ आपका IBPS PO का भी एग्ज़ाम होगा, लेकिन सबसे पहले SBI PO के फॉर्म भरे जाएंगे क्योंकि उसके अभी अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया और उसका नोटिफिकेशन बहुत ही जल्दी आने वाला था लेकिन नहीं आ पाया, ठीक है। अब बैंकिंग के अलावा देखिए, अगर हम बात करें इसके अंदर, देखिए बैंकिंग के अंदर सारे क्लरिकल लेवल के एग्ज़ाम आते हैं, PO SO भी होती है, एक स्पेशलिस्ट ऑफिसर आपको पता होगा, BTech ब्रांचेस के लिए, टेक्निकल ब्रांचेस के लिए, IT स्पेशलिस्ट के लिए, ठीक है। अब हम पुलिस के बारे में बात करने वाले हैं, तो पुलिस के लिए बहुत सारे डाउट आते थे, खास करके दिल्ली पुलिस के लिए आ रहे थे कि दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम कब होगा, असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर का, AWO ऑपरेटर का, एंड आपका वो क्लरिकल का जो मिनिस्ट्रियल का फॉर्म भरा गया था, लेकिन उसके लिए देखिए अभी तक कोई अपडेट नहीं है। लेकिन हाँ, आपको मैं कांस्टेबल के ऊपर अपडेट देना चाहूँगा, जो कि 5500 वैकेंसी निकलने वाली थी जो कि बढ़ा के 8000 हो गई थी, 5500 या फिर 8000 जो भी आपका होगा वो आपका कांस्टेबल लेवल का जो एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे उसके लिए 12th पास मांगते हैं आपको पता है, और 12th पास विद ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। तो आपका देखिए ये है कि आपका दिल्ली पुलिस का फॉर्म जो है निकल जाएगा, वो आपका तभी निकल जाता अगर कोरोना वायरस की मार्च के एंड में निकल जाता अगर कोरोना वायरस की पैंडेमिक सिचुएशन नहीं होती, लेकिन अब हो चुकी है तो आप ये मान के चलीजिए कि आपका जो भी है ये एग्ज़ाम बहुत ही जल्दी फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे आपके। ज़्यादातर जहाँ तक एक्सपेक्टेड डेट है वो अगस्त टू सेप्टेम्बर है, बहुत ज़्यादा डिले हो चुका है और सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिले हो जाएंगी आपको पता ही है। DRDO, हाँ DRDO का आपका ये डाउट था कि DRDO STAB सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट STAB के फॉर्म कब आएंगे और TECH के फॉर्म कब आएंगे, आपको पता है इसके अंदर डिप्लोमा की ज़रूरत पड़ती है और 10th विद ITI की ज़रूरत पड़ती है किसी किसी पोस्ट में, तो ये आपके फॉर्म जो है वो दिसंबर एंड तक आ जाएंगे, जी हाँ दिसंबर एंड तक आपके फॉर्म आ जाएंगे। इसके लिए आपको आपको पता है
एंड आपको एक और चीज़ बताना चाहता था, आपके डाउट्स जो आ रहे हैं RRB NTPC एंड ग्रुप डी, तो आपको आपके लिए एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, खुशखबरी ये है कि आपके लिए जो ये है, आपके लिए जो इसका एग्ज़ाम है बहुत ही जल्दी होगा, और सबसे पहले इसी के एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे क्योंकि वैकेंसी बहुत ज़्यादा पेंडिंग हो चुकी है। एंड 14 मई को एक नया अपडेट आया था इनकी वेबसाइट पर, RRB भोपाल पर, और भी वेबसाइट पर आया हुआ, लेकिन RRB भोपाल में मैंने चेक करा था, उस पर ये था कि टेंडर पास करा गया है एंड बिड्स असाइन होंगी, मतलब जिससे कि एग्जामिनेशन एजेंसी हायर हो सके और आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जा सके। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड आपकी एक और वैकेंसी मैं भूल रहा हूँ, CISF हेड कॉन्स्टेबल की वैकेंसी निकलने वाली है आपकी बहुत ही जल्दी, एंड वैकेंसीज पर काफ़ी होंगे CISF के अंदर, और CISF की वैकेंसीज आपकी बहुत ही जल्दी आ जाएंगी आफ्टर लॉकडाउन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, हिट द लाइक बटन एंड एंड प्लीज़ शेयर दिस चैनल एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, जय हिंद, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।